नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष निशंक जैन के निर्देशन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर विद्युत सब स्टेशन पर पहुँच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पठारी तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन काल में बिजली बिल लूट का साधन बना हुआ है और बढ़े हुए बिजली बिल एवं अघोषित विद्युत कटौती से आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कांग्रेस कार्यालय पठारी, श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश द्वारा श्री तहसीलदार महोदय तहसील पठारी जिला विदिशा महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन काल में बिजली बिल लूट का साधन बन गए हैं। बढ़े हुए बिजली बिलों एवं अनियमित अघोषित बिजली कटौती से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, गांव-गांव में ट्रांसफार्मर जले हुए पड़े हैं जिन्हें बदला जावे, जिससे आमजन परेशान ना हो। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करती है कि बड़े हुए बिजली के बिल वापसी के लिए मध्य प्रदेश के असंवेदनशील भाजपा सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। यदि उपरोक्त मांगों का निराकरण एवं उचित कार्रवाई नहीं की गई तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उग्र आंदोलन एवं प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएगा। निवेदक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पठारी। आज ये जो बिजली विभाग पे धरना प्रदर्शन रखा गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर और जिला कांग्रेस कमेटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री निशंक कुमार जी जैन के निर्देश अनुसार ये धरना प्रदर्शन किया गया है। जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की जा रही है, बिजली विभाग के द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं, जबरदस्ती लोगों से वसूली की जा रही है, गांव-गांव में डीपीएं जली रखी हैं और संपन्न लोगों के इधर जो उनके बिल बढ़े हुए भी आ रहे हैं, ज्यादा हैं, बाकी हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गरीब और निचले स्तर के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके एक तो बिल ज्यादा आ रहे हैं, उनके उनसे वसूली की जा रही है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि 2 साल से लॉकडाउन में लोग बाग परेशान हैं, उनके भोजनों की व्यवस्था के इलाज में परेशान हैं, वो बिजली विभाग उन्हें कनेक्शन काट काट के उन्हें परेशान कर रही है, उगाही कर रही है, उनके तो नोटिस भेज रही है, उनके सामान उठा रही है। आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नव निर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री निशंक कुमार जी जैन के निर्देश अनुसार ये धरना प्रदर्शन किया गया है। जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की जा रही है, बिजली विभाग के द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं, जबरदस्ती लोगों से वसूली की जा रही है, गांव-गांव में डीपीए बिजली की बढ़ोतरी वापस लो, बिजली बढ़ोतरी वापस लो, बिजली बढ़ोतरी वापस लो।